भारतीय जनता पार्टी ने बागई ओबीसी कहम कौतमा कहम बनो सेंखा या बखाक्तर प्रहस्ते ओब कहम अंखारी मानैनो कपलाय अंख बीजेपी बदल तेबाय सब बखागो नागालैंड एनडीपी बदल बाय कथालाय वे कपलाय अंख बीजेपी बदल न मेघालय ओब बीजेपी बदल बेबागै कायनि सीट मानफन कानराट साकमानि एनडीपी बदल बाय कथालाय वे आरोब हापांग सनामना बागै तियार अंजाक बीजेपी बदल न थानसा खलाय वे कायथाम हास्ते ओ बीजेपी बदल कपलाय अंगमानो तैवै बदल ने तांग्रा ग्रोग बाय मालायना बागै बीजेपी नि तांगनो गथांका मन्त्री बख्रक नरेंद्र मोदी कपलाय अंगमा बागै टंग थकलायजाक बीजेपी हापांग चंगमारि वा कपलाय अंगमा बागै सामुं तांगनाय जतो तांग्रा ग्रोग नो हामबाय याफरका मन्त्री बख्रक नरेंद्र मोदी তাই বিজেপি বদল নুথ রিবই কপলাই খালাই টঙ্ক সংলুকরণ বরম রিবই মোবাইল ফ্ল্যাশ মসং না বগৈ ব কয়খা মন্ত্রী বক্র নর্থ ইস্ট নি টঙ্ক সংলুকরক বখাও হাকতর বগৈ হামসাংমা রগ্ন বরম রেখা মন্ত্রী বক্র হামসামুং লামাতে বরং সামুং বরম রে না বগৈন অ ফ্ল্যাশ লাইট মসং না বগৈ কয়খা মন্ত্রী বক্র নর্থ ইস্ট কে হামারে সভি ভাইও বহনো কে সম্মান মে नॉर्थ ईस्ट के हमारे सभी नागरिकों के सम्मान में आप अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू कीजिए और नॉर्थ ईस्ट के सभी नागरिकों का अभिनंदन कीजिए जिन जिन के पास मोबाइल है अपनी फ्लैश चला करके ये नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों का सम्मान है ये नॉर्थ ईस्ट के देशभक्ति का सम्मान है ये नॉर्थ ईस्ट का प्रगति के रास्ते पर जाने का सम्मान है ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के सम्मान में आपने जो ये मोबाइल फोन के माध्यम से प्रकाश फैलाया है ये प्रकाश उनके सम्मान में है उनके गौरव में है आपका मैं धन्यवाद करता हूं। त्रिपुरा नागालैंड मेघालय लुक रक्न बीजेपी बुद्रीमा बगै बेलाइन हम्बा याफरका मन्त्री बक्र कायथाम हाजदेनि कपलाय अंगनाय तांग्रा रक्न बखा कहम याफरका मन्त्री बक्र त्रिपुरा में तो हाल ये था कि पहले एक पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी का झंडा तक नहीं लगाया जा सकता था और अगर किसी ने लगाने की कोशिश की तो उसको लहूलुहान कर दिया जाता था। इस बार इन चुनावों में हमने कितना बड़ा परिवर्तन देखा है। भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट की राजनीति की दिशा ही नहीं उसकी दशा ही नहीं लेकिन एक आत्मविश्वास से भरा हुआ और नई दिशा पर चल पड़ा हुआ नॉर्थ ईस्ट हम देख रहे हैं। मैं त्रिपुरा मेघालय और नागालैंड की जनता का सर झुकाकर वंदन करता हूं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। इन राज्यों की जनता ने बीजेपी और हमारे साथी सहयोगियों को भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आज त्रिपुरा नागालैंड और मेघालय के बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली में या हमारे अन्य इलाकों में बीजेपी का काम करना उतना कठिन नहीं है जितना नॉर्थ ईस्ट में है। वहां का कार्यकर्ता हमसे अनेक गुना मेहनत करता है और इसलिए वहां के कार्यकर्ता विशेष रूप से अभिनंदन के अधिकारी हैं। बोतै बसाका नॉर्थ ईस्ट नि चंगमारि रग अंगै टंगमा जरावो सिमे देलेवो आवनो तुइवै किसा मिसा कक्रक अंखा हनै। मैं नॉर्थ ईस्ट की शांति समृद्धि और विकास का ये समय देख रहा हूं। मुझे याद है
कि कुछ दिनों पहले जब मैं नॉर्थ ईस्ट गया था तो किसी ने मुझे बोला कि मोदी जी आपको अपनी हाफ सेंचुरी के लिए बहुत बहुत बधाई। तो मैंने उनको पूछा कि भाई ये कैसी हाफ सेंचुरी आप बता रहे हैं, तब उन्होंने मुझे बताया कि जब से बोले आप प्रधानमंत्री बने हैं आप 50 से भी ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट का विजिट कर चुके हैं, जो अभी नड्डा जी बता रहे थे। सवाल बधाई का नहीं है, लेकिन जब एक नागरिक मुझे ये कह रहा था तब मैं अनुभव कर रहा था कि जाने मात्र से इसके दिल को कितना सुकून मिला है, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों के दिलों में कितना प्यार उमड़ करके आया है, उसकी वो अभिव्यक्ति थी। और तब मुझे लगता था कि मेहनत कभी न कभी तो रंग लाती है। चुनाव जीतने से भी ज्यादा मुझे इस बात का संतोष है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बार बार नॉर्थ ईस्ट जाकर के मैंने उनके दिलों को जीता है और वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। मुझे ये संतोष भी हुआ कि पूर्वोत्तर के लोगों को ये एहसास हो रहा है कि अब उनकी उपेक्षा नहीं होती। केंद्र की भाजपा सरकार में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भी उतना ही महत्व मिलता है। फिया मंत्री वक्रक शाखा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली निबो हक्सलिया दिल निबो हक्सलिया हनै। आज सुबह से मैं जब टीवी देख पाया इन चुनावों के नतीजे ही छाए रहे। ये सिर्फ दिलों की दूरी समाप्त होने का ही नहीं बल्कि ये नई सोच का प्रतिबिंब है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट कोखरा।